नमस्कार, एनबीसी न्यूज 24 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं भारती रस। नजर डालते हैं स्पेशल रिपोर्ट पर। हाल ही में श्रीलंका में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 290 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 500 से अधिक घायल हो गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन धमाकों के पीछे कौन लोग हैं, क्यों ये लोग मौत का खेल खेलते हैं, क्यों इनके दिलो दिमाग में दया भाव नहीं आता, कैसे किया जाता है इनका ब्रेन वॉश, देखिए एनबीसी न्यूज 24 की खास रिपोर्ट। कोई खौफ नहीं, कोई वजह नहीं, बस विकृत मानसिकता और झूठी बातों के सारे कुछ नियंत्रित शांति दूतों के माध्यम से कथित शांति और अमन के पैगाम का भी बस नजारा देखने को मिला। ये मंजर उस जगह भी देखने को मिला जिस जगह होली वाटर छिड़क कर परमात्मा के पुत्र से मुलाकात करवाई जाती है, जहाँ आपके द्वारा किए गए तमाम गुनाहों की माफी मांगने के लिए एक स्पेशल जगह तक बनी होती है। लेकिन ये बात आसमानी किताब के मालिक को अच्छी नहीं लगी होगी और उन्होंने अपने शांति दूतों को हदीस के अनुसार हुक्म की तामील के लिए भेजा और उनके अनुसार इन काफिरों को दोजख की आग में जलाया। इस काम के लिए उन्हें 72 हूरे मिलेगी और दूध की नदियों में स्नान करके उनके अंगूरों के बगीचे में महफिल सजेगी। हालांकि ये बातें सुनने में तो महज एक मजाक सी लगती है, लेकिन इन सब के पीछे एक बेहद ही कुठित और घृणित सोच है जो सिर्फ और सिर्फ खून खराबा करना सिखाती है। ये सोच लोगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें कट्टरपंथी बनाती है, दूसरे धर्म मजहब और संप्रदायों के खिलाफ बंदूक उठाकर गोली चलाने के लिए उकसाती है, मजबूर करती है। और इसी सोच को समय समय पर कट्टरपंथी उलेमाओं और मजहब के संरक्षकों की ओर से सींचा जाता है। खून खराबे की खाद देकर पौधे को पेड़ बनाया जाता है और ये समस्त बागवानी जिस मजहब में की जाती है वो मजहब पूरे विश्व में खुद को शांति का पुरोधा कहलाने के लिए जोर देता है। इतना ही नहीं, खुद को अमन और भाईचारे का मसीहा बताता है, पर हकीकत तो इसके बिल्कुल उलट है, जहाँ इस मजहब के शांति दूत सिर्फ और सिर्फ लूटपाट, गुंडागर्दी, वैशीपन और शांति का परचम लहराते हैं। जो इसकी बातों को नहीं मानता उन्हें सीधा मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये काम भी वहाँ किया जाता है जहाँ इनकी संख्या पर्टिकुलर 40% होने लगती है, वरना उससे पहले तो ये सिर्फ चुपचाप बैठे रहते हैं। अगर बात साफ तौर पर की जाए तो अब वक्त आ गया है कि इन शांति दूतों को अपना आदर्श मानने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए, क्योंकि जिद्दी मूवी का एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग है कि जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है। जब जब जिस जगह पर इन्होंने अपनी आसमानी किताब के कानून को लागू करने की मुहिम पर जोर दिया है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ हैवानियत का नंगा नाच देखने को मिला। इतना ही नहीं, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति का विनाश हुआ है। संपूर्ण विश्व में जितने भी धर्म या मजहब है उनमें से सिर्फ एक ही मजहब विशेष के शांत दूतों को बेगुनाहों का कत्लेआम करना पसंद है। इनकी इबादत का यह अहम हिस्सा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि संपूर्ण विश्व को समझना होगा कि आतंकवाद को अगर जड़ से मिटाना है तो मजबूती से एक साथ खड़ा होना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को स्वयं के हाथों सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की सौगात देकर जाएंगे। फिलहाल एनबीसी स्पेशल में इतना ही। आप देखते रहे एनबीसी न्यूज 24। नमस्कार। सब्सक्राइब करें।